नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हो? मैं लीडर मानता हूँ उसको, मैं कहता हूँ कि उस जैसा सिंसियर जो हुक लीडर है वो एक नरेंद्र मोदी, एक बाइडन, एक चाइनीज का जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो, एक तुर्की का प्रेसिडेंट है वो, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं करते वो लोग, वो पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं रखते। और जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को थी बिजली की, और जाके वो इंडिया में लगा रहे हैं, जबकि इंडिया सब बहुत बड़ा करंटी मुल्क है, और उसके बाद दूसरे मुल्कों को भी फ्राहम कर रहा है बिजली को। भारत की $50 अरब जो है उनकी स्टोरेज है, $50 अरब उनकी स्टोरेज है, और हमारे पास क्या है? हमारा ये महीने पहले हमारे बैंक सारे करप्ट हो रहे थे, वो लोगों ने सुना है कि ये हुकूमत जो है बैंकों से पैसा निकाल रही है। सुबह हम लोग गए हैं बैंकों में, लाइन लगी हुई थी, लोग अपने पैसे निकाल रहे थे कि कहीं हमारे पैसे भी ना निकाल ले हुकूमत। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी रह रहा है ना पाकिस्तान में, मजबूरी के तहत रह रहा है। सऊदीया जो हमारा समझ लगा बरादर, क्या हमारा भाई, बड़ा भाई है एक किस्म का, और हर तरह का हमारी मदद भी करता रहा, पर इस मौके पे आके जब हमें ज़रूरत थी, हमारे मुल्क का दौरा करना चाहिए था, उसको खाली दौरा ही कर लेता, चाहे प्रोजेक्ट भी ना देता, हमको दौरा ही कर लेता हमारा, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात। जिस IMF के पीछे पाकिस्तान भागा 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 फिरता है, उसी IMF की चीफ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे जाके उन्हें कहती हैं, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ जो है वो मुझे दे दें। हर एक दो घंटे बाद एक घंटे की लाइट चली जाती है, और यहाँ परेशानी का आलम हुआ हुआ है, महंगाई इतनी कर दी लोगों ने। भारत से क्यों नहीं ले लेते? अगर सऊदीया नहीं दे रहा, सऊदीया से नहीं ले रहे, तो भारत से क्यों नहीं ले लेते? देखिए जी, भारत से तो हम दुश्मन, एक दुश्मन मुल्क है, सीधी बात है। क्या दुश्मनी रही? अब देखें हर शोबे में ही तो आगे निकल गया, किस में दुश्मनी? हम हर शोबे में आगे निकल गया, पर हम आज भी हम मुसलमान ममालिक मुल्क हैं, और एक वो हमारे मुखालिफ मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। कंट्रीज हैं सऊदी अरब, तुर्की वगैरह, वो तो उसको ऑफिशियली ग्लोबली सपोर्ट कर रहे हैं। G20 के जितने भी ममालिक हैं सब इसराइल के मातहत चलते हैं, सऊदीया वगैरह भी। सब भी सऊदीया ने सबसे पहले तस्लीम किया इसराइल को, आपने देखा कि उसने तस्लीम किया, तो आज उसके मुल्क में कहां से कहां चलेगी हर चीज़ जो पहले कभी नहीं होती थी वो हो रही वहां पर। आज सऊदी अरब के जो MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अंडर सी प्रोजेक्ट मतलब जो है वो लॉन्च किया है पावर ग्रिड का, जिसमें भारत और सऊदी अरब जो है वो बिजली एक्सचेंज करें। 50 मुआहदे किए हैं सऊदी अरब और इंडिया ने, 50 मुआहदे किए हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि अगर हम इंडिया से कुछ कोई मुआहदा करेंगे तो बेनिफिट होगा। जो वली अहद है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता, क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान से क्या मिलना है उसको? पाकिस्तान वो आएगा तो इन्होंने पाकिस्तान से पैसे मांगने के, पैसे दे दो हमें। वो शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था कि मैं बाहर के मुल्क भीख नहीं मांगने गया था, लेकिन मजबूरी है, क्या करें? पाकिस्तान के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी रह रहा है ना पाकिस्तान में, मजबूरी के तहत रह रहा है। आपको मौका मिलेगा आप बाहर चले जाएंगे, मुझे मौका मिलेगा मैं कहूँगा कल ना आए, मैं आज बाहर चला जाऊँ। ऐसा क्या है, क्यों हम ये चीज़ सोचने में मजबूर हो गए हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए हम दूसरे मुल्कों में जाने का सोचते हैं? यार मुझे एक बात बताओ, जिस IMF के पीछे पाकिस्तान भागा 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 फिरता है, उसी IMF की चीफ जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे जाके उन्हें कहती हैं, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ जो है वो मुझे दे दें, किस तरीके से, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके कि जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स G20 के अंदर इकट्ठे हुए, वो जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को 9 सालों में 15 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, कितना आगे निकल गए हैं वो लोग? बताता हूँ रीज़न क्या है। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, इंडिया भी तब आज़ाद हुआ। क्या वजह है कि इंडिया आगे चला गया और पाकिस्तान पीछे रह गया? क्या वजह है? वो वजह ये है कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वहाँ पे रहने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान हुकूमत करते हैं मुल्क के अंदर रहते हुए, वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ। लेकिन अफसोस का कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चार शक्लें हैं, हम लोग, मुझे 25 साल की उम्र है, और 25 साल से मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, वो एक इमरान खान आया था, क्या किया उसके साथ? आज वो जेल में बैठा हुआ है, क्या सलूक किया है? इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, इसमें कसूर हमारा है। मैं कहता हूँ कि हमारी गंदी आवाम है पाकिस्तान की, क्यों नहीं अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए क्यों नहीं निकलते ये लोग? आज सऊदी अरब के जो MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अंडर सी प्रोजेक्ट मतलब जो है वो लॉन्च किया है पावर ग्रिड का, जिसमें भारत और सऊदी अरब जो है वो बिजली एक्सचेंज करें। 50 मुआहदे किए हैं सऊदी अरब और इंडिया ने, 50 मुआहदे किए हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि अगर हम इंडिया से कुछ कोई मुआहदा करेंगे तो बेनिफिट होगा। जो वली अहद है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता, क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान से क्या मिलना है उसको? पाकिस्तान वो आएगा तो इन्होंने पाकिस्तान से पैसे मांगने के, पैसे दे दो हमें। वो शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं बाहर के मुल्क भीख नहीं मांगने गया था, लेकिन मजबूरी है, क्या करें? तो वो हमारे मुल्क में क्या करने आए? यहाँ तो उनको पता होना है कि हमारे मुल्क में आकर तो उनके मुल्क को कोई बेनिफिट होगा, तो वो आए भी।
आज तक ना सऊदी वली अहद आता है तो ये क्या करते हैं, हमें 20 अरब डॉलर दे दो, हमें 30 अरब डॉलर दे दो। उनको भी पता लग गया कि ये बेकारी हैं, ये हमसे पैसे मांगेंगे। हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों में गैरत ही नहीं है इतनी कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए खड़े हो सकें। मैं बताता हूँ आपको इंडिया क्यों आगे चला गया है। इंडिया हमसे इसलिए आगे चला गया है क्योंकि वहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत दूसरी दफ़ा आई है। वहाँ की आवाम ने नरेंद्र मोदी को दूसरी दफ़ा इलेक्ट किया। क्या वजह है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, यार दुश्मन नहीं है इंडिया हमारा, हमारा दुश्मन हम खुद हैं। इंडिया ने 75 सालों में पाकिस्तान पर कितने हमले किए हैं, हमें ये सबक दिया गया है पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे हम पे हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया ये कर देगा। कितने हमले किए हैं इंडिया ने? सर लोड शेडिंग अभी पाकिस्तान में हो रही है, नहीं हो रही? लोड शेडिंग हो रही है। आप कहेंगे लोड शेडिंग कब से हो रही है पाकिस्तान में? लोड शेडिंग पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं थी कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ क्या क्यों करते हैं वो। दो मुल्क तब कोई माहिदा करते हैं जब दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। यहाँ पर तो फ़ायदा सिर्फ हमें होगा। IMF से कर्ज़ा मिला पाकिस्तान को, कहाँ गया वो पैसा? यहाँ बिजली ख़त्म हुई हो, या गैस ख़त्म हुई हो, या इन्होंने कोई तलीमी निज़ाम सही किया हो, किधर गया वो पैसा? आज भी इनकी शक्लें देखो, ये कहते हैं आज भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, हम गरीब आवाम को कहाँ से दें? गरीब मर रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है। जो अमीर है वो अमीरतर होता जा रहा है और जो गरीब है वो डाउन जाई जा रहा है। क्या वजह है? ये नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हो? मैं लीडर मानता हूँ उसको। मैं कहता हूँ कि उस जैसा सिंसियर जो लीडर है वो एक नरेंद्र मोदी, एक बाइडन, एक चाइनीज़ का जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो, एक तुर्की का प्रेसिडेंट है वो, सऊदी अरब, UAE, ये सारे लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। क्या देख रहे हो, बड़े इस टाइम अपसेट लग रहे हो? पाकिस्तान में कोई स्टे का प्रोग्राम? मैंने आपको बताया ना कि फ्यूचर ये है कि आज मुझे मौका मिले तो मैं 10 मिनट ना लगाऊँ बाहर चला जाऊँ। मुझे पाकिस्तान में उम्मीद ही नहीं है कि मैं आगे आने वाले 15-20 साल में पाकिस्तान में स्टेबल हो सकूँगा। इतनी मायूसी छा गई है ना आवाम के अंदर कि आप जिससे ही बात कर लें वो यही कहेगा कि यार कोई फ्यूचर नहीं है। चलो लास्ट पे मुझे ये बताओ, 90s में लास्ट टाइम भारत जो है वो IMF के पास गया था, उसके बाद कभी भारत ने IMF की तरफ रुख नहीं किया। 2023 चल रहा है लेकिन अभी भी पाकिस्तान IMF से कह रहा है कि इतने दे दें उतने दे दें, अभी तक IMF से नहीं निकल पा। सर भारत की 50 अरब डॉलर जो है उनकी स्टोरेज है, 50 अरब डॉलर उनकी स्टोरेज है, और हमारे पास क्या है? हमारा ये महीने पहले हमारे बैंक सारे करप्ट हो रहे थे। वो लोगों ने सुना है कि ये हुकूमत जो है बैंकों से पैसा निकाल रही है। सुबह हम लोग गए हैं बैंकों में, लाइन लगी हुई थी, लोग अपने पैसे निकाल रहे थे कि कहीं हमारे पैसे भी ना निकाल। वो सुनने में आ रहा है सऊदी अरब और भारत के दरमियान अंडर सी पावर ग्रिड जो है वो बिजली एक्सचेंज की जाएगी। ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, जो अमीर तबका है वो भी बिजली से महरूम है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिसके साथ हम कहते हैं बड़े गहरे दरीना ताल्लुकात हैं, इधर आके प्रोजेक्ट जो है वो करना प्रेफर नहीं किया, वो गए हैं भारत और भारत में जाके उन्होंने प्रोजेक्ट किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके? देखें सबसे पहली तो बात यह है कि हमारे मुल्क का दौरा करना था उन्होंने, पहले चाहे 5 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए दौरा करना था, वो उन्होंने मंसूख कर दिया। इसका मतलब कि पाकिस्तान से वो मोहब्बत ही नहीं करते, वो लोग वो पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं रखते। और जब ज़रूरत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को थी बिजली की, और जाके वो इंडिया में लगा रहे हैं, जबकि इंडिया सब बहुत बड़ा करंटी मुल्क है, और उसके बाद दूसरे मुल्कों को भी फ्राहम कर रहा है बिजली को। वो पहले ही इतनी बना रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों को दे रहा है और बिजली भी बना रहा है, और हमारे मुल्क में बिजली की ज़रूरत थी, उन्होंने आना पसंद ही नहीं किया, हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं किया। सीधी बात है, इसका मतलब कि प्रोजेक्ट तो बड़ी दूर की बात है, हमारे मुल्क में नहीं आना पसंद किया उन्होंने, जबकि आना सिर्फ 5-6 घंटे के लिए था उन्होंने, दौरा करना था। इसका मतलब कि हमारा जो है ना उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है हमारे, सीधी बात है। नहीं, वो सर वो जो हम कहते हैं चट्टानों से बुलंद, पहाड़ों से बुलंद, वो हम कहते ही हैं सिर्फ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाना मकसद ये है कि अपने पैसे डुबो देने, सीधी बात है। वो तो ये समझते हैं कि हम अगर पाकिस्तान में कोई पैसा सरमायाकारी करेंगे हमारे पैसे डूब जाएंगे। वो दूसरे मुल्कों में लगाना पसंद करते हैं कि वहाँ से उनको पता है कि हमें जो बात करेंगे वो प्रॉपर ही करेंगे, वहाँ जमहूरियत भी है, वहाँ हर चीज़ है, यहाँ पर तो जमहूरियत भी नहीं, यहाँ पर तो दौरे कुछ और तरीके का होते हैं, यहाँ साइन कुछ और होते हैं और काम कुछ और होते हैं, यहाँ पैसे लगाए जाते हैं, पैसे खा लिए जाते हैं, अगले को दिए वापस नहीं जाते। सर 75 साल हो गए हैं, अभी G20 हुई है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो भारत की सरजमीन पर लैंड किए हैं, अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन हुए हैं। सर पाकिस्तान आना किसी ने भी प्रेफर नहीं किया, साथ ही मुल्क था, अगर उधर आए थे तो यहाँ से भी होते हुए चले जाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, देखें हमने तो कहा कि G20 पाकिस्तान में भी होना चाहिए था, पाकिस्तान भी मेंबर है इसका। नहीं अभी मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं है? नहीं है।
चले मेरे ख्याल से मेंबर है पाकिस्तान उसके नहीं, नहीं, नहीं है। और चाइना जो हमारे साथ जो दोस्त है ना, बिल्कुल पक्का दोस्त है, वो भी इंडिया तशरीफ लेके गए हैं, वो उन्होंने भी वहाँ जाकर दौरे किए, वहाँ का प्रोजेक्ट में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो भी वहाँ भी उन्होंने सरमायाकारी की है। सऊदीया जो हमारा समझ लगा बरदर क्या, हमारा भाई बड़ा भाई है एक किस्म का, और हर तरह का हमारी मदद भी करता रहा। पर इस मौके पे आके जब हमें ज़रूरत थी, हमारे मुल्क का दौरा करना चाहिए था, उसको खाली दौरा ही कर लेता, चाहे प्रोजेक्ट भी ना देता हमको, दौरा ही कर लेता हमारा, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती। हम दौरे पे खुश हो जाते, दौरे पे खुश हो जाते, लेकिन उन्होंने दौरा भी करना, जबकि आप डिसाइड किया था कि 10 तारीख को पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान आया जाएगा और उसके बाद हम इंडिया जाएंगे, पाकिस्तान में आने के यानी एक दिन में ही दौरा किया जाएगा, उसके बाद हम इंडिया जाएंगे, जबकि इनको आना चाहिए था, चाहे आके कुछ भी ना करते, दौरा तो करते ना हमारे। मुझे आज दिल से एक बात बताएं, तुर्की जो है वो कहता है अगर भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन गया, मैं पूरी सपोर्ट दूंगा, बैक दूंगा भारत को इसके अंदर। सऊदी अरब जो है वो पूरी अरबों रुपए के जो है वो मुआहदे करके गया भारत के अंदर। ये जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारे भारत की तरफ क्यों रुझान रख रहे हैं? हम भी एक इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारा इस्लामिक कंट्री कोई भाई हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं है, इस मुल्क में आने को तैयार नहीं है, और हमारी नेबर कंट्री के साथ जाके अरबों रुपये के मुआहदे हो रहे हैं। क्या फीलिंग्स रखते हैं एज अ पाकिस्तानी आप? नहीं देखें, फीलिंग तो बड़े वो अंदर की गहराना रखते हैं कि ये देखें, ये हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, जो भी कर रहा है, जो भी मुल्क हमारे साथ में जो मुखालिफ है हमारे, वो हमारी ज्यादती कर रहे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा इसराइल है जो हमारे मुखालिफ है। सर वो कहते हैं जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये खुद कहते हैं बैगर्स आर नॉट चूजर्स, और ये हम खुद क्या अपनी इज्जत करवा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो भी बताएं। देखिए हमारे मुल्क में तो सीधी बात है, मुल्क में अभी तो ना जमहूरियत है, ना हुकूमत है, ना लेना देना है, इस टाइम तो हम एक समझ लगे यतीम खाने तरीके से जा रहे हैं, यतीम तरीके से जा रहे हैं, को पूर पूर के काम हो रहा है उसके, उसको देखे नजर बेहतर नजर रखे। दूसरे मुल्क भी यही सोचते हैं कि यार कहीं हम जहाँ वहाँ जाएँ तो हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारे हमें परेशानी का बाइस ना बन जाए हमारे लिए। भारत को देख के खुशी होती है जितनी तरक्की कर रहा है? हाँ जी देखें, जाहिर है कि वो एक जमहूरी तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो रहा है, वो शामिल है, और जमहूरियत उनकी इतनी मजबूत है कि वहाँ पर कोई इदारे ऐसे नहीं है जो उनकी टांग खींचे, वो एक 5 साल की मुद्दत पूरी करते हैं, उसके बाद अगले दूसरी दुनिया को उनको अच्छा मैसेज आता है कि देखो ये 5 साल जमहूरियत वहाँ पूरी हुई है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी इस टाइम बनने जा रहा है भारत, मुझे ये बताएं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी किधर निकल गया? हम तो बहुत पीछे चले गए जी, हम बहुत पीछे चले गए, हम तो कोई स्टैंड ही नहीं कर रहे, हम तो स्टैंड ही, हम तो तरक्की पजीरों में सब नीचे आ गए किस्म के, इस समय लगे हम अफ्रीका के जो मुल्क हैं, कीनिया हो गया हमसे, उनके मुकाबले के मुल्क में हम शामिल हो रहे हैं इस टाइम। हमें तो सिर्फ इमदाद की ज़रूरत होती है, हर दफ़ा हम इमदाद ही मांगते फिरते लोग से, हम अपने पैरों पर आज तक 75 साल हो गए खड़े ही नहीं हो सके, हम लोग इसलिए नहीं खड़े हो सके कि हमारे मुल्क में एक जमहूरियत निज़ाम ही नहीं आया आज तक। चले मुझे आज ये बताएं, अब यहाँ पर बिजली तो नहीं है, सऊदीया ने इधर मुआहदा नहीं किया, कितनी इम्पोर्टेंस पड़ेगी, कैसा रिलेशन पे फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान और सऊदी अरब के, कि उसने भारत को प्रेफर किया, वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स किए हैं और पाकिस्तान आना भी प्रेफर नहीं किया, ऑफिशियल लेवल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या अभी भी इमदाद लेने हम सऊदी अरब चले जाएंगे? नहीं जी हम ऐसे ही करेंगे, अभी हम उसके पास ही चले जाएंगे, हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर उन्होंने नहीं आए हमारे मुल्क हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमदाद दे दें तो हम खुश हैं, हमें इमदाद मिल जाती है हम इसमें बड़े खुश हो जाते हैं, बस सीधी बात है, हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉपर एक निज़ाम ही कोई नहीं, हमारा मुल्क का एक निज़ाम बन जाए ना, एक जमहूरी निज़ाम बन जाए कि 5 साल की मुद्दत एक हुकूमत अगर मुआहदा करती तो पूरा करके जाए, दूसरे मुल्क को करंटी को फ़ायदा कराए और अपने मुल्क का भी फायदा करे, तो उसके ज़्यादा दूसरे इतनी ज़रूरत है इस टाइम यहाँ पे भी अंडर सी पावर ग्रिड लगना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरत है, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, देखें ना आप भी लोड शेडिंग का शिकार है, हम बहुत ज़्यादा शिकार हैं, हर एक 2 घंटे बाद 1 घंटे की लाइट चली जाती है, और यहाँ परेशानी का आलम हुआ हुआ है, महंगाई इतनी कर दी लोगों ने, भारत से क्यों नहीं ले लेते, अगर सऊदीया नहीं दे रहा, सऊदीया से नहीं ले रहे तो भारत से क्यों नहीं ले लेते? देखिए जी भारत से तो हम दुश्मन, एक दुश्मन मुल्क ऐसी ही बात है, क्या दुश्मनी रही, अब देखें हर शोबे में ही तो आगे निकल गया, किस में दुश्मनी, हम हर शोबे में आगे निकल गया, पर हम आज भी हम मुसलमान ममालिक मुल्क हैं और एक वो हमारे मुखालिफ मुल्क है, दुश्मन मुल्क कंट्रीज हैं सऊदी अरब तुर्की वगैरह, वो तो उसको ऑफिशियली ग्लोबली सपोर्ट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो वो फिर क्या रहा, मतलब वो तो फिर म्यूचुअल बेनिफिट नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है गाइस, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, जबकि तुर्की भी हो गया, सऊदीया भी हो गया और यूएई भी हो गए, ये सारे ज़्यादातर तो इंडिया को सपोर्ट करते आए हैं और आज भी वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा मसला हमारा इसके अंदर यह है कि हमें आज इसराइल को तस्लीम कर लें, आज ये सारे मुल्क हमारे मुल्क में आना शुरू हो, इसराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं कर सके आज, जब तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहूदी है हमारा, हम यहूदी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर सकते तस्लीम, अगर हम आज तस्लीम करते हैं तो आज सारी दुनिया हमारे मुल्क में हर चीज़ लेकर, सारा मसला इसी चीज़ का, इसी चीज़ का मसला है हमारा,
इसराइल का सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को खोखा खखला करने के अंदर इस टाइम, क्योंकि G20 के जितने भी ममालिक हैं सब इसराइल के मातहत चलते हैं। सऊदीया वगैरह भी, सब भी सऊदीया ने सबसे पहले तस्लीम किया इसराइल को, आपने देखा कि उसने तस्लीम किया तो आज उसके मुल्क में कहाँ से कहाँ चलेगी हर चीज़, जो पहले कभी नहीं होती थी वो हो रही वहाँ पर। इस चीज़ का मकसद ये है कि वो इसराइल जो है ना वो दुनिया के हर नुक्कड़ पे छा गया है, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक एटमी ताकत भी है समझ लें कि वो जो इस्लामी ममालिक के अंदर सबसे अहम है, पर वो उसको इग्नोर किया जा रहा सबसे ज़्यादा, क्योंकि दूसरे मुल्कों को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक दहशत मुल्क रहेगा, इसमें तो यहाँ पर तो जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर तो निज़ाम ही चोर डाकुओं का रह गया है, ये हर चीज़ को हमारे दूसरे मुल्कों को डाल दी गई है, जिसकी वजह से हमारे हमें नुकसान उठाना पड़ा। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि हमें चाहिए कि हमारे मुल्क को चाहिए कि एक दूसरे के साथ खड़े हुए जब सियासतदान हो या हमारी